खरीदारी भी आए हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ थे अभी? छत्तीसगढ़ ओबीसी समाज का संगठन की ओर अग्रसर, साफ सुथरी मांगों को लेकर 19 तारीख को बंद का ऐलान। छब्बीस तारीख को महाबंद का ऐलान बस्तर जिले में। 19 तारीख को स्थानीय बंद का आह्वान किया गया है। ये हमारे जिला स्तरीय दुकान बंद कर रहे हैं, बस ज्ञापन दे रहे हैं क्या जी? नहीं देना है, ज्ञापन भी देना है, आप जगन्नाथ साहू जी जिला लेवल से पधारे हुए हैं, दुकान बंद करना है, भानु प्रतापपुर के बाकी गाड़ी मोटर चलते रहेगा। अध्यक्ष ओबीसी समाज के लिए इस अभियान में अग्रसर सम्मुख दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनका स्पष्ट यह ऐलान है 19 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है। आप बोलो कुछ। अध्यक्ष महोदय जी से दो टुक इसमें ओबीसी समाज का उत्थान के लिए जो हम संगठन संगठित हो रहे हैं, प्रयासरत हैं, उसके लिए दो शब्द आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। सर, कांकेर जिले सहित संपूर्ण बस्तर संभाग में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग दो मिनट इसको काटो गड़बड़ हो गया बोलिए सर। सर्व पिछड़ा वर्ग बस्तर संभाग द्वारा अपने दो सूत्री मांग को लेकर 19 अगस्त को संपूर्ण बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया गया है। हमारा मुख्य मांग ये है कि बस्तर संभाग में सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, साथ ही बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती प्रक्रिया को समाप्त की गई है। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज संपूर्ण चतुर्थ वर्ग श्रेणी की जो भर्ती है उसमें स्थानीय स्तर की भर्ती लागू हो, इन दो मांग को लेकर संपूर्ण बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अगला प्रश्न और करेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथ साहू जी, अभी 19 अगस्त को बस्तर संभाग का किया जा रहा है, इसको सफल बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? पिछड़ा वर्ग समाज लगातार बस्तर संभाग में विगत 2013 से अपने अधिकारों के मांगों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लगातार अपने मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। जो इनके द्वारा जो बहुलता की बात आती है उसमें हम सब बस्तर में भी पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर हम आज सड़क की लड़ाई पर हैं। और इसी हमारी साफ सुथरी मांगे हैं उसको हमारे जिला किसान रक्षक जी ने विस्तार से रखा है, इन्हीं मांगों को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से पिछड़ा वर्ग समाज आंदोलित है 2013 के बाद से, अब तक के सरकार आपकी मांगों को जो ध्यान नहीं दिया है, यदि आगे भी सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग समाज की बातों को मान्यता या मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में आपका क्या रुख रहेगा? आप सब ने देखा है कि हम लोग 2018 में भी जिस प्रकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बस्तर में 12 के 12 सीटों पर जो हार का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार कांग्रेस की पार्टी को भी आज 12 के 12 सीटों पर हमारी मांगों को ध्यान नहीं देंगे, तो उसी प्रकार हमारा समाज भी वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आपका सर? अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री माधेश्वर जैन जी हैं, ये भी काफ़ी संघर्षशील और जुझारू नेता रहे हैं। 19 अगस्त महाबंद बस्तर संभाग के सफल बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति? तो अभी जो
हमारी जो बात हुई है जिला स्तरीय बैठक में, हमारे जो बस्तर संभाग में जितने जो हमारे पिछड़ा वर्ग के गरीब भाइयों ने जैसे जिस स्थिति में जूझ रहे हैं, वो स्थिति में हम बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, तो वो स्थिति ना हो। और जो हमारे मांगे हैं, जो बस्तर संभाग में जो शिक्षा के तौर में देखें चाहे और हमारे कई प्रकार के तौर में देखते हैं, तो उसमें कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है। जैसे आश्रम छात्रावास जो खुला है, उस आश्रम छात्रावास में भी हमारे 14% के आरक्षण के अनुसार, हमारे आश्रम छात्रावास में हमारे 14 OBC बच्चे को अगर उसमें सम्मिलित करते तो बहुत अच्छा रहता, और ताकि उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ते, तो उनको सोचा जाए तो एक वंचित किया जाता है पढ़ाई लिखाई में भी। तो मेरा यही कहना है कि अगर ये मांग पूरा नहीं होती है, जैसे 27% आरक्षण की हमारी भी बात हो रही है, 27% आरक्षण जो हम अभी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो अगले बार के जो हमारी जो रणनीति है उसमें उग्र हम करेंगे। धन्यवाद सर, आपका प्यारा सा और सारगर्भित संबोधन, जो कि हमारा OBC के लिए उचित न्याय दिलाती है। हम भी आशा करते हैं कि ये शासन हमारी ओर कितना पहल करती है, कितने अच्छे ढंग से पहल करती है, यह हम भी देख रहे हैं। इसके बाद तो फिर हम महाबंद के बाद और क्या क्या होगा, क्या क्या बंद होगा, ये हम बताएंगे। हमारे लिए अभी ये विचारणीय मुद्रा है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और अंतिम पंक्ति पर हम कितना सार्थक होता है ये विषय है। थैंक यू सर।